लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स फ्रॉम द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सो वी गेट बेटर आइडिया कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे हमारे लिए जो हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी पढ़ा है वो कैसे हेल्पफुल हो सकता है और कैसे हम रियल वर्ल्ड में भी और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं इसी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के सेंट्रल लिमिट थेरम को लेकर के पहली uh, एग्जाम्पल है अ पॉपुलेशन हैज़ अ मीन ऑफ फिफ्टी एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ट्वेल्व सो दिस इज़ द पॉपुलेशन पैरामीटर्स आपको पॉपुलेशन की मीन भी गिवन है विच इज म्यू और डिविएशन भी गिवन है विच इज सट इज द मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन और द स्टैंडर्ड एरर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल्स मीन्स तो अगर आपने फोर साइज का सैम्पल निकाला है तो उसकी आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन क्या हो सकती है और स्टैंडर्ड एरर कितना हो सकता है लेट सॉल्व दिस प्रॉब्लम हियर ऑन दिस पेज अगेन पहले लिख लें कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है क्या और आ, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास मीन गिवन है विच इज़ फिफ्टी और हमारे पास सिग्मा गिवन है विच इज़ ट्व और हमारे पास एन साइज गिवन है विच इज़ फोर सो वॉट इज द मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू इन द स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स की दो प्रॉपर्टीज़ हमें पता है कि मीन ऑफ ऑल सैम्पल्स मीन विल बी पॉपुलेशन मीन्स सो हमारी इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन चूँकि उसके इक्वल होगा तो दैट विल बी 50 और उसका जो स्टैंडर्ड एरर है वो हमारा पता है हमारा कि सिग्मा ओवर एन अंडर रूट होगा तो हम इसको सॉल्व कर लें सिग्मा हमारे पास दिया हुआ है कितना 12 और एन हमारे पास है 4 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 को डिवाइड करेंगे 12 पे तो वो 6 हो जाएगा सो so, हमारी इस डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम एन फोर साइज के सैम्पल्स निकालें तो फिर हमारी उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना होगा दैट विल बी 50 क्योंकि हमें पता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की पॉपुलेशन के इक्वल होगा और फिर उसका स्टैंडर्ड एवियेसन हमें पता है कि उस डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्मा ओवर एन अंडर रूट के बराबर होगा सो यू कैन सी कि अगर हमें वो थेरम्स और फॉर्मूलाज और लॉज पता हैं तो फिर हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स के लिए उसका मीन और स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन निकाल सकते हैं विदाउट यू नो ड्रॉइंग

अब देखें हमने इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर लेकर के जाना है यू हैव टू अंडरस्टैंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो और जी स्कोर्स आल्सो और प्रोबेबिलिटी आल्सो कि हमारे पास जब भी याद रखें किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन हो और एन साइज़ बड़ा हो तो हम उसको अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर ले जाते हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर जाने के लिए हमेशा हमें दो उसके पैरामीटर्स हैं यानी दो इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं आर मीन एंड स्टैंडर्ड है अगर आपको मीन और स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियेशन पता है तो आप उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर ले जाएंगे आप उसका z फाइंड आउट कर सकते हैं और अगर आप z फाइंड आउट कर लें तो आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं और उस एरिया का मतलब है कि वो प्रोबेबिलिटी प्रोबिलिटिया फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी किस्म के सैंपल को अटेन करने की या सैंपल स्टेटिस्टिक को अटेन करने की सो दिस इज हाउ ऑल कॉन्सेप्ट आर लिंकड विद ईच अदर इधर मैं एक एग्जाम्पल सॉल्व करती हूँ फिर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी एंट्रेंस एग्जाम स्कोर्स का मीन जो है वो सेवेंटी फोर है और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो है या वेरियंस सिग्मा सिक्स पॉइंट एट है एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम वॉट इज द प्रोबिलिटी दैट स्कोर इज लेस दैन सिक्सटी फाइव अब आपको पॉपुलेशन का मीन दिया हुआ है और पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिविएशन दी हुई है और ये भी पता है कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपने कोई भी स्टूडेंट अगर हमने रैंडम सेलेक्ट किया है तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट हज स्कोर इज़ लेस देन 65 सबसे पहला जो असूल है कि आप नॉर्मल कर्व ड्रा करें नॉर्मल कर्व ड्रा करने के बाद आप उसके अंदर उसका मीन प्लॉट करें विच इज़ सेवेंटी अब आप सेवेंटी है तो आपने फाइंड आउट करना है कि सिक्सटी और लेस की प्रॉबिलिटी कितनी है सिक्सटी फाइव हमारी इस टेल पे आएगी जो कि नेगेटिव टेल है जो कि मीन से बिलो है सपोजिंगली इधर सिक्सटी फाइव है आपने इसका जी स्कोर फाइंड आउट करना है सिक्सटी फाइव का तो जी स्कोर फाइंड आउट करने के लिए आप उसी टेबल में से मीन से जी का एरिया भी देख सकते हैं और आप टेल वाला एरिया भी देख सकते हैं सो so आप क्या करेंगे कि आप उसको सबसे पहले इसका z फाइंड आउट करेंगे और z फाइंड आउट करने का हमें तरीका पता है कि वो x माइनस मीन है और इस सूरत में हमारे पास x दिया हुआ ठीक है और हमारे पास हमारी स्टैंडर्डविएशन याद रखें कि ये एग्जांपल जो है पहली ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की है ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है क्यों क्योंकि हमारे पास स्कोर गिवन है याद रखें जब भी हमारे पास स्कोर गिवन है तो दैट इज़ अ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पता चला मुझे क्योंकि मेरे पास स्कोर गिवन है तो so, x माइनस मीन बाय स्टैंडर्ड डिविएशन x मेरे पास गिवन है 65 और मेरे पास उसका मीन है 74 और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन मेरे पास गिवन है दैट इज 6.8 अब अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो 65 फाइव माइनस सेवेंटी विल बी माइनस नाइन और फिर इसके 6.8 से हम करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट माइनस वन तो अब आपने इस वाली जगह का जी स्कोर फाइंड आउट कर लिया और जब आपने जी स्कोर फाइंड आउट कर लिया है तो मसले सारे के सारे सॉल्व हो गए क्यों क्योंकि आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं अब आप इसमें टेल का एरिया भी देख सकते हैं आप चूंकि हमें पता है पॉइंट फाइव एरिया इधर है पॉइंट फाइव एरिया इधर है आप मीन से जेड का एरिया देख के उसको पॉइंट फाइव से माइनस भी कर सकते हैं लेकिन हमारे पास जो मैंने आपको टेबल दिखाया था उसमें आपका जो कॉलम है उसके अंदर टेल का एरिया आपका दिया हुआ है जो कि मीन से बिलो एंड दैट इज़ एक्चुअली पॉइंट जीरो नाइन थ्री फोर सो इसका मतलब है कि अगर एरिया पॉइंट ज़ीरो नाइन थ्री फोर है तो ऑलमोस्ट नाइन पॉइंट थ्री फोर परसेंट हैं कि कोई स्टूडेंट अगर आप एट्रेंडम सेलेक्ट करेंगे तो उसका स्कोर लेस देन सिक्सटी फाइव होगा इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर जिसका मीन और सिग्मा गिवन है सो नाइन पॉइंट थ्री फोर परसेंट चांस दैट स्कोर विल बी लेस देन 65. So you see आप एक गिवन इन्फॉर्मेशन से नोइंग रूल लॉज एंड थेलट प्रॉबिलिटी फॉर एनी इवेंट और एनी अकरेंस इन नो टाइम लेट्स एग्जाम्पल फॉर अगर हमने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किया था इफ सैम्पल ऑफ फिफ्टी स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम आप फिफ्टी स्टूडेंट्स का सैम्पल सिलेक्ट किया इन्होंने और एक्चुअल हमारी रियल लाइफ में ऐसे ही होता है कि जब आप रिसर्च करते हैं तो यूजली आप एक आध सैंपल निकालते हैं पॉपुलेशन से और उसी सैंपल से उसी उसी की मीन से आपने पॉपुलेशन की मीन को एस्टिमेट करना होता है सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मीन स्कोर फॉर दैट ग्रुप सैंपल इज ग्रेटर देन सेवेंटी फाइव हाँ नाउ दिस इज रियली इंटरेस्टिंग क्यों क्योंकि क्यों? अब आपने बिल्कुल रियल एग्जाम्पल आ गई कि आपने एक फिफ्टी स्टूडेंट्स का सैम्पल निकाला है और वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट स्कोर मीन स्कोर फॉर दैट ग्रुप ऑफ सैम्पल इज़ ग्रेटर देन सेवेंटी फाइव अब आपके पास इंफॉर्मेशन जी है इसी का पार्ट है ये राइट right? अब आपने क्या करना है सबसे पहले इसको ड्रॉ करेंगे अब आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन क्या है आपको म्यू गिवन है विच इज़ सेवेंटी फोर आपको सिग्मा गिवन है विच इज़ सिक्स पॉइंट एट आपको एन गिवन है एन इज़ फिफ्टी अब आपको पता है कि आप साम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की मीन भी निकाल सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन से और स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिविएशन भी निकाल सकते हैं कैसे क्योंकि हमें पता है कि मीन ऑफ साम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ मीन बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन सो हमारी मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी सेवेंटी फोर विच इज़ इक्वल टू पॉपुलेशन मीन और स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिविएशन हो जाएगा हमारा सिग्मा ओवर एन अंडर रूट विच इज़ सिक्स पॉइंट एट और एन कितना है फिफ्टी अंडर रूट और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी सो स्टैंडर्ड एवियेसन अगर मैंने ये कैलकुलेट की है तो ये ऑलमोस्ट आ जाती है 6.8 डिवाइडेड बाय 50 विल बी समथिंग इज़ 0.961 राइट सो अब आप इसको z निकाल सकते हैं अब मीन भी आपके पास आ गई स्टैंडर्ड एवियशन भी आ गई मसले सॉल्व हो गए क्यों क्योंकि यू कैन कैलकुलेट z वैल्यू और z वैल्यू के लिए आपने निकालना है उसके फार्मूला में वैल्यूज़ प्लग इन करके विच इज मीन माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर विच इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एंड अंडर रूट यू प्लग इन ऑल द वैल्यूज विच इज़ मीन इज़ आपका जो है साम्पल की उसने कहा है कि वॉट इज़ द प्रोबिलिटी हाँ अब आपने दूसरा स्टेप हमने छोड़ दिया कि Z पे जाने से पहले हमेशा याद रखें कि यू मस्ट ड्रॉ आर डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रॉ डिस्ट्रीब्यूशन मैं इधर कर देती हूँ इसका ताकि आपको याद रहे कि हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ निकाला है यहाँ पे मैं निकाल देती हूँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन मेरा इस तरह का बन जाएगा राइट सो मैंने इसको ड्रॉ करना है विच इज़ म्यू इज़ हमारा कितना है 74 फोर अब अगर 74 फोर है तो मैंने देखना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ मीन स्कोर फॉर दैट ग्रुप इज़ ग्रेटर देन सेवेंटी फाइव ग्रेटर देन सेवेंटी फाइव का मतलब है कि ये सेवनटी फाइव है और ग्रेटर का मतलब है कि मैंने इस एरिया को फाइंड आउट करना है और अगर मैंने इस एरिया को फाइंड आउट कर लिया तो मैं उसकी प्रॉबिलिटी फ़ाइंड आउट कर सकती हूँ वो प्रॉबिलिटी पता चल गई तो मसला हल हो जाएगा सो so, इस जगह का मैंने z फाइंड आउट करना है सो so, z में इसमें वैल्यूज प्लग इन करूँगी विच इज़ सेवेंटी फ़ाइव माइनस सेवेंटी फोर और हमने ये कैलकुलेट कर लिया सिग्मा ओवर अंडर रूट विच इज़ पॉइंट नाइन सिक्स वन सिक्स एंड 75 फाइव माइनस सेवेंटी 1. इज़ वन वन डिवाइडेड बाई पॉइंट नाइन सिक्स वन आप इसको कैलकुलेटर पे खुद से कर सकते हैं सो so, z की वैल्यू आ गई आपकी विच इज़ 1.04. अब आप इस 1.04 का आप एरिया देख सकते हैं और फिर हमें कौन सा एरिया चाहिए हमें टेल वाला एरिया चाहिए सो वन पॉइंट के बियॉन्ड जब हम एरिया देखेंगे तो दैट इज़ ऑलमोस्ट यानी ये वाला एरिया अगर हम देखेंगे तो एरिया इज इक्वल टू आप उसी टेबल में जाके जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाया है आपकी ग्रेटर की बुक में दिया हुआ है पीछे आप उसका टेल का एरिया देख सकते हैं पॉजिटिव टेल का दैट इज पॉइंट वन फोर नाइन वन पॉइंट वन फोर नाइन वन का मतलब है कि ऑलमोस्ट फिफ्टीन परसेंट आप कह सकते हैं या फिर फोर्टीन पॉइंट नाइन परसेंट चांस है कि आपका जो मीन ऑफ दिस साम्पल जो आपने फिफ्टी स्टूडेंट्स का निकाला है दैट इज ग्रेटर देन सेवनटी फाइव मीन ऑफ दिस सेम्पल जहाँ पे फिफ्टी स्टूडेंट्स हैं इसकी क्या प्रॉबीबलिटी है कि इस पर्टिकुलर सैम्पल का जो हमने पॉपुलेशन से निकाला है उसकी मीन ग्रेटर दैन सेवेंटी फाइव हो तो उसका चांस है फोर्टीन पॉइंट नाइन या ऑलमोस्ट फिफ्टीन परसेंट चांस है इसका सो so ये फिर एक दफ़ा इसको फील करें और रियलाइज़ करें कि कैसे हम प्रॉबलिटीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं है ना हम किसी भी चीज़ का अगर हमने सैंपल निकाला है किसी भी पॉपुलेशन में से और हम जानना चाहते हैं कि क्या ये सैंपल ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन की मीन को तो हम उसके अंदर उसकी बाकायदा प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट चांस है कि यह सही रिप्रेजेंटेशन है और कितने परसेंट चांस है कि ये हमने गलत निकाला है या फिर उसकी पॉपुलेशन की एस्टिमेशन हमारी ठीक नहीं हो रही लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल विद दिस टू बी मोर क्लियर इसी की एग्जाम्पल है एंट्रेंस एग्जाम स्कोर है म्यू सेवेंटी फोर एंड सिगमा सिक्स पॉइंट एट एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वॉट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन स्कोर ऑफ फिफ्टी स्टूडेंट्स हाउ वी विल राइट अब उसने कहा है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करें इस सैम्पल मीन का यानि जिस पॉपुलेशन से आपने ये सैम्पल निकाला है इस डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम और सैम्पल निकालें तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा अब हाउ वी विल राइट द डिस्ट्रीब्यूशन अब यू डोंट नीड टू गेट पैनिक ऑन जस्ट द वर्ड वॉट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन कि जी हमें क्या पता इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे लिख सकते हैं कि इस पॉपुलेशन में से अगर हम सैंपल्स निकालें तो वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा यू ऑलरेडी नो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हैं कौन कौन सी यस मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और आपको पता है कि मीन जो अगर हम सारे सैंपल्स निकालेंगे तो वो पॉपुलेशन के बराबर होगी और स्टैंडर्ड एवियेसन उसकी बराबर होगी सिग्मा ओवर एंड अंडर रूट के साथ सो so, आप इसकी फाइंड uh, आउट कर सकते हैं मीन भी और स्टैंडर्ड एवियेसन भी विच इज़ इक्वल टू सेवनटी फोर वो पॉपुलेशन के बराबर रहेगी और इसमें हम उसको सिक्स पॉइंट एट डिवाइडेड बाई फिफ्टी अंडर रूट निकालेंगे तो वो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है विच इज़ इक्वल टू पॉइंट नाइन सिक्स वन सेवन सो आप इसके लिखेंगे हाउ यू विल राइट आप कहेंगे कि मेरे इस डिस्ट्रीब्यूशन की जो मीन है दैट इज सेवेंटी फोर और जो मेरी स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिविएशन है दैट इज इक्वल टू पॉइंट नाइन सिक्स वन सेवन दिस इज हाउ वी विल डिस्क्राइब एनी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑलवेज वेन एवर यू नीड टू डिस्क्राइब अ डिस्ट्रीब्यूशन यू नीड टू दैट इज मीन एंड स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियशन अब इससे भी आगे क्वेश्चन है फाइंड एटियथ परसेंटाइल ऑफ मीन एग्जाम स्कोर ऑफ दिज फिफ्टी स्टूडेंट्स नाउ दिस इज मोर इंटरेस्टिंग क्योंकि इसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पहले पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से रॉ स्कोर फाइंड आउट किया फिर इसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमने 50 का सैंपल निकाला और उस सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन की करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट की फिर हमने किसी भी अदर सैंपल के 75 से ग्रेटर मीन आने की प्रॉबलिटी निकाली फिर हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट की कि वो इस तरह की बनेगी और अब एटियथ परसेंट फाइंड आउट करने के लिए नाउ देर इज़ फिर अगेन हमें सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना पड़ेगा और फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमें क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है सो वी हैव टू फाइंड आउट अ एटियथ परसेंट टाइल ऑफ मीन एग्ज़ाम स्कोर ऑफ दीज फिफ्टी स्टूडेंट्स तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है और हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीन मीडियम मॉड बराबर होता है तो ये जो सेवेंटी फोर है ये हमारा फिफ्टियसेंट टायल भी है और हमने एटियथ परसेंट टाइल पर फाइंड आउट करना है सो एटियथ परसेंट टायल हमारा यहाँ पर आ जाएगा अब हमने इस एटियथ परसेंट टाइल के ऊपर जी भी फाइंड आउट करना है कि वो हमारे पास क्या है और फिर हमने उसका z फाइंड आउट कर लेंगे तो हमने एरिया नहीं बल्कि exactly वो स्कोर फाइंड आउट करना है कि 80th परसेंट पे क्या स्कोर आता है सो so आपको पता है कि आपका z का फार्मूला क्या है और अगर हमने बल्कि z हम इसमें एरिया में फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे क्योंकि हम टेल का एरिया देख सकते हैं क्योंकि अगर ये एरिया पॉइंट है और ये एरिया पॉइंट है तो ये पॉइंट एट बन जाएगा सो एटियत परसेंट टाइल का मतलब है कि ये एटी परसेंट एरिया इधर है और ट्वेंटी परसेंट एरिया इधर है सो so, आप अपने टेबल में जो टेल का है उसमें यू विल लुक फॉर अ वैल्यू ऑफ पॉइंट टू ज़ीरो 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 जो भी आपकी क्लोज़र वैल्यू बनेगी आप उसमें उसकी z की वैल्यू देख लेंगे अब जो मैंने टेबल में वैल्यू देखी है तो वो तकरीबन बन रही है पॉइंट एट फोर सो so, मेरे पास z की वैल्यू आ गई है तो मैंने इसके क्रिस्पॉन्डिंग x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमने uh, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि हम कैसे करते हैं हम कहते हैं म्यू प्लस जेड इन टू स्टैंडर्ड एरर विच इज़ सिगमा ओवर एन अंडर रूट ठीक है और हमारे पास x की वैल्यू के लिए हमें म्यू की वैल्यू दी हुई है विच इज़ सेवेंटी फ़ोर प्लस जेड की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है विच इज़ पॉइंट एट फोर सिग्मा हमें गिवन है विच इज सिक्स पॉइंट एट डिवाइडेड बाय एन हमारा गिवन है विच इज फिफ्टी अंडर रूट और फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो विच इज़ मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट एट फोर को पॉइंट नाइन सिक्स वन सेवन से और उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 74 फोर प्लस कितना एटी फोर पॉइंट एट फोर मल्टीप्लाई बाई पॉइंट नाइन सिक्स वन सेवन इज़ इक्वल टू पॉइंट एट वन और अगर हम इसको करेंगे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा सेवेंटी फोर पॉइंट एट वन सो अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में हम कहेंगे कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ पे म्यू और सिग्मा गिवन है 80th परसेंटाइल ऑफ मीन एग्जाम स्कोर ऑफ़ दीज फिफ्टी स्टूडेंट्स विल बी सेवेंटी फोर सो जो बच्चा 80th परसेंटाइल के ऊपर है उसका स्कोर कितना है उसका स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन में 74.81 इज़ द आंसर ये एक और एग्जांपल है इसमें लास्ट एग्जांपल है हमारी और इसमें भी प्रोबेबिलिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल मीन्स के हम किस तरह से सैम्पलिंग uh, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन और स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन फाइंड आउट करते हैं उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे लेके जाते हैं और फिर उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम उसका एरिया मार्क करके फाइंड आउट करते हैं सो दिस इज एग्जांपल के पॉपुलेशन ऑफ स्कोर्स ऑन द एस ए फॉरम Uh, forms a normal distribution with the mu five hundred and sigma hundred. If you take a random sample of n twenty five students, what is the probability that sample mean will be greater than five forty? Again, I would expect both uh, easily solve. I will give you time, get your paper and pencil and try to solve this question before I move ahead, pause this video and uh, try to solve it. सो so, पहला स्टेप हमारा क्या होगा अगर हमने फाइंड आउट करना है हम लिखेंगे हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन क्या चीज़ है हमारे पास म्यू गिवन है हमारे पास सिग्मा गिवन है और हमारे पास एन गिवन है तो फिर हमने अगला स्टेप क्या करना होगा हमने फाइंड आउट करनी है प्रॉबिलिटी यानी एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व दैट द सैम्पल मीन विल बी ग्रेटर देन 540 सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रा करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और हम देखेंगे कि इसका मीन अगर 500 है तो हमने 540 के ऊपर जाके ग्रेटर देन 540 है तो इसका मतलब है हमने इसका ये वाला हाईलाइटेड एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है और वो कैसे करेंगे यहाँ का हम जी फाइंड आउट करेंगे और जी फाइंड आउट करने के बाद हम प्लग इन करेंगे वैल्यूज़ और हम उसको सॉल्व करेंगे डू दिस योर सेल्फ एंड आई विल गिव यू आंसर फॉर दिस इन द नेक्स्ट वीडियो